हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जकी और आज मैं यहाँ पर अनबॉक्स करने वाला हूँ टीपी लिंक का राउटर। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है। फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं टीपी लिंक का ब्रांडिंग दी गई है, AX1800 डुअल बैंड वाईफाई 6 राउटर। ये वाईफाई 6 राउटर है, काफ़ी एडवांस राउटर है और न्यू जनरेशन का ये स्मार्ट राउटर बताया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्चर AX20 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं इस राउटर के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं फास्टर स्पीड विथ वाईफाई 6 यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर कनेक्ट मोर स्टे फास्ट और यहाँ पर देख सकते हैं पावरफुल प्रोसेसिंग यहाँ पर दिया गया है। इस राउटर में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो क्वाड कोर CPU है और यहाँ पर स्पीड इसका है 1.5 GHz, तो काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिफाइंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा है। WPA3 इसमें दिया गया है, वाईफाई इनक्रप्शन फॉर इम्प्रूव सिक्योरिटी आपको देखने को मिलता है। USB शेयरिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टॉप में यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड नंबर वन यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है। एक्सप्लोर द न्यू ईरा ऑफ वाईफाई, वाईफाई 6 का यहाँ पर ब्रांडिंग भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपको इस तरह का राउटर देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर। ऊपर साइड में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर में भी यहाँ पर टीपी लिंक की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर लिखा हुआ AX1800 डुअल बैंड वाईफाई 6 राउटर और यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी लिखे गए हैं। 1201 प्लस 574 Mbps आपको देखने को मिलेगा, 1x GB वैन पोर्ट आपको देखने को मिलेगा और 4 GB लैन पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ कि 3 साल की वारंटी दी गई है इस राउटर के साथ, तो काफ़ी अच्छी बात है। बैक साइड में यहाँ पर गाइस कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ या फिर आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ऊपर में यहाँ पर टीपी लिंक की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर वाईफाई 6 अपग्रेड एवरीथिंग विथ वाईफाई 6, तो वाईफाई 6 जो है काफ़ी लेटेस्ट है आज के टाइम पे। नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्पीड आपको देखने को मिलता है, स्मूथ स्ट्रीमिंग। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेफ क्लाइंट्स पावर आपको देखने को मिलता है, फाइंडिंग सिक्योरिटी, बूस्टेड कवरेज देखने को मिलता है, तो ये आपके पूरे घर में अच्छे से सिग्नल पहुँचा देगा। 1.5 GHz क्वाड कोर CPU दिया गया है इस राउटर में जो कि काफ़ी अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए, या फिर अगर आप लोग एक साथ ज़्यादा डिवाइस यूज़ करते हैं तो स्पीड में आपको कमी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में बताया गया है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं USB शेयरिंग के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं 4x लार्जर कैपेसिटी फॉर नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा वाईफाई 6 के साथ। लेफ्ट साइड की यहाँ पर बात किया जाए गाइस तो आपको यहाँ पर बताया गया है फीचर्स के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड मोर डिवाइस, वायरलेस स्पीड्स ओवर 1 Gbps। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बिंग फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी भी दिया जाता है, WPA3 आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस स्पेक्स के बारे में भी डिटेल्स दिया गया है। वायरलेस स्पीड आपको यहाँ पर दिया जाता है 1201 Mbps 5 GHz पे और यहाँ पर स्टैंड भी दिया गया है वाईफाई का, 11AX देखने को मिलता है प्लस आपको 2.4 GHz पे 574 Mbps स्टैंड्स भी दिए गए हैं 11AX। और इस राउटर में वाईफाई स्टैंड्स आपको देखने को मिलता है 11A/B/G/N/AC। तो यहाँ पर राइट साइड में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं राउटर के जो कि आप यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं आपको इजी सेटअप एंड यूज़ देखने को मिलता है। आप यहां पर इसका ऐप से भी इसको सेटअप कर सकते हैं या फिर आप यहां पर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा है और क्या क्या कॉन्टेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको परचेस किया है 5,999 रुपये में अमेजोन से। यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ बॉक्स से, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसका मैं सील ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है और फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिलता है इस राउटर का, तो आप लोग पढ़ के काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं इस राउटर के बारे में। सारे डिटेल्स आपको इस इंस्टॉलेशन गाइड में लिखा जाता है। साथ में आपको यहाँ पर एक पब्लिक लाइसेंस नोटिस यहाँ पर दिया जाता है इस राउटर में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये राउटर है, काफ़ी भारी है, वज़न इसमें काफ़ी ज़्यादा है इस राउटर में, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको RJ45 इथरनेट केबल आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, काफ़ी मोटा है इसका वायर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एडेप्टर दिया जाता है इस राउटर का,
तो मैं आप लोगों को इसका वोल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट है इसका 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर और ये 18 वाट का अडेप्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ टीपी लिंक कांट कनेक्ट टू Wi-Fi 6 प्रोडक्ट्स वायरलेसली, तो इसके बारे में मुझे समझना होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अपडेट ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए भी बताया गया है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Wi-Fi इन्फो कार्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका Wi-Fi का पासवर्ड और Wi-Fi का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग भुला जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं अपने Wi-Fi का पासवर्ड और ID, सारा चीज़, और इसको आप चिपका भी सकते हैं। यहाँ पर चिपकाने के लिए दिया भी गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद गाइज यहाँ पर बॉक्स में कुछ भी नहीं है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये राउटर है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का है और इसका पन्नी मैं अभी हटा देता हूँ तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का राउटर है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर टीपी लिंक की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर एक्स बना हुआ है और यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं चार एंटीना यहाँ पर दिया जाता है और यह एंटीना जो है आप 360 डिग्री पर नहीं घुमा सकते हैं, यहाँ पर बस ये लास्ट हो जाता है और फिर इधर से ये इतना लास्ट हो जाता है, इसके बाद से ये घूमता नहीं है। तो इसको यार ऊपर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इसके अलावा आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लाइट्स दिए गए हैं, लाइट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पावर LED दिया जाता है, एक LED आपको 2.4 का देखने को मिलता है और एक LED आपका 5 GHz का देखने को मिलता है और यहाँ पर इंटरनेट का और ये लैन का और यहाँ पर USB का LED दिया जाता है इस राउटर में। बैक साइड में गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको WPS Wi-Fi का बटन दिया जाता है, उसके बगल में आपको यहाँ पर रीसेट का भी बटन दिया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं LED का अलग डेडिकेटेड बटन दिया जाता है। अगर आप लोग इसको प्रेस कर देंगे तो LED जलेगा, अगर आप लोग इसको प्रेस कर देंगे तो LED जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बगल में आपको 2.0 USB देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको गीगाबिट वैन पोर्ट देखने को मिलता है और 4 GB लैन पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पावर ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है और यहाँ पर पावर पोर्ट दिया जाता है। तो ये आपका बैक साइड में हो गया, पूरा वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी ओपन है तो यहाँ पर हीटिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल माउंट के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दो, और यहाँ पर ग्रिप दिया गया है, प्लास्टिक का है, आप लोग चाहें तो इसको टेबल पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है और इधर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको राउटर देखने को मिलता है, काफी खूबसूरत है। सो गाइज मैं आप लोगों को इस राउटर का बेसिक डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूँ। इसका वाईफाई स्टैंड है 802.11ax। इस राउटर में आपको वायरलेस स्पीड दिया जाता है 1.8 GBPS। गीगाबिट वाला ये राउटर है, डुअल बैंड सपोर्ट करता है। इसमें गाइस आपको मीमो नहीं दिया जाता है, इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी दिया जाता है OFDMA का, ये मीमो से भी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पर आपको पैरेंटल कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं। इसका जो CPU है वो क्वाड कोर CPU दिया जाता है। इसका स्पीड है 1.5 GHz। इसमें आपको Alexa भी वर्क करता है और इसका मॉडल नंबर है Archer AX20। तो ये काफ़ी एडवांस राउटर है। इस राउटर में आपको बिंग फॉर्मिंग भी दिया जाता है जिससे आपको अच्छी कवरेज मिलेगा आपके घर में। अगर आप लोग सेकेंड फ्लोर पे भी जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा नेटवर्क देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 एंटीना दिया गया है। इस राउटर में WPA3 का न्यू लेवल फॉर साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस राउटर का जो वेट है गाइस वो 870 ग्राम है, तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। अगर आप लोग वॉल माउंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा वरना ये गिर जाएगा, तो ये चीज़ का आप लोग यहाँ पर ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग इस राउटर को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। इस राउटर से कोई भी आपको क्वेरी हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। इस राउटर का क्विक सेटअप मैं जल्दी लाऊँगा अपने चैनल पर। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा इस राउटर का अनबॉक्सिंग, आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।